कई अक्षर और कई अर्थ है। वर्ण जाति समुदाय की तरफ भी संकेत है। साहित्यिक से तो वर्ण को वर्ण कहा जाता है, तो पूजा पाठ में देने वाले वर्ण की तरफ भी संकेत करता है। लेकिन यहाँ वर्ण है माला, वर्ण वर्णायाम अक्षर समूह अर्थ संघना अर्थ समूह रसायना सभी रसों को छंद इत्यादि को मंगला नाम चा करता रो वंदे वाणी सब मंगलों को देने वाली माँ शारदा सरस्वती और गणेश जी को वंदन करते हैं। संतों ने तर्क किया कभी प्रथम पंक्ति में गुरु महाराज को वंदन करना चाहिए, लेकिन गोस्वामी जी ने तो वर्णानाम संघानाम रसानाम चंद्रसामपि मंगलानाम चा कर्तारो वंदे वाणी। पहली पंक्ति में अक्षर समूह को वर्णन किया, ऐसा क्यों? जब हम रामचरितमानस के ग्रंथ को सामने रखते हैं ना, तो शब्द स्वरूपी श्री रामचंद्र परमात्मा का इसमें दर्शन, ऐसा मेरे बाबा ने सिद्ध करके बताया। आचार्य वर्णाराम अक्षर समूह को वंदन किया। ज्योतिषी बंधु पूछते हैं, उन्होंने भी तर्क कर दिया कि आपने अक्षरों को वंदन किया। हाँ जी मैंने किया, एक सौ आठ गाने की माला क्यों? किसी ने कहा कि बारह नक्षत्र नौ ग्रह बारह नवा एक सौ आठ इनसे जाप करके शांति मिलती है। कुछ और विद्वानों से कहा एक सौ आठ क्यों, तो कुछ विद्वानों ने कहा कि शून्य ब्रह्म एक जीवात्मा और आठ माया। बाबा ने कहा कि प्रभु से मिलने में भी माया साथ है, इसका कोई अभिप्राय? फिर कहे आप बोले सीता राम लिखना गुणांक को जोड़ लेना, हर शब्द के अंत में पूर्ण अंक 108 आएगा। महाराज 108 आठ ये नौ जो हमेशा पूर्ण होता है, कभी कम होता है। नौ एक का नौ, नौ दुनिया आठ, आठ एक नौ, नौ त्रिक 27, सात दो नौ, नौ चौके 36, छह तीन नौ, नौ पूर्ण अंक माना गया। और उन्होंने कहा कि मैंने शब्दों में अपने परमात्मा का दर्शन किया है, इसीलिए मैंने वर्णानाम संघानाम अक्षर समूह को वंदन किया। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास भवानी शंकरो श्रद्धा विश्वास रूपेण। भवानी और शंकर की जोड़ी को श्रद्धा विश्वास का स्वरूप मानते हुए बाबा ने बंधन किया है। क्यों? शिव जी का जो परिवार है ना, थोड़ा सा विमुख है। शिव का स्वभाव और सती का स्वभाव बड़ा अंतर है। इतने नहीं, भगवान शंकर के गले में जो आभूषण है नागदेव का, और उनके पुत्र गणेश का जो वाहन है वो चूहा है, मूसल है। और नाग का भोजन क्या होता है? नाग का भोजन चूहा। स्वामी कार्तिकीय का वाहन मोर है, और मोर का भोजन सर्प होता है। बुजुर्गों ने कहा है किसी जंगल में मोर हो वहां सर्प होता नहीं, लेकिन इस परिवार में कभी ऐसी व्यवस्था नहीं सुनने को मिली, कभी ऐसा प्रश्न चिन्ह नहीं उठा कि कार्तिकीय के मोर ने भगवान शंकर के गले के नाग को भगाया हो, मृत्यु का भय दिया हो,
या भगवान के गले के नाग ने गणेश जी के वाहन मूसक को कभी सताया हो, इसीलिए श्रद्धा विश्वास का प्रतीक, क्योंकि अच्छे के साथ तो दुनिया चलती है, लेकिन जो बुरे को अपने साथ मिलाकर अच्छा बना ले और व्यसन को दूर करके उसे इस दुनिया में नर से नारायण बना दे, उसे संत और भगवंत कहा करते महाराज। भगवान शंकर ने भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास याभ्याम बिना न पश्यन्ति पश्यन्ति देख सकते हैं, कैसे अष्टमि स्वरम अपने स्वाधन अंत अस्तु स्वंत, जिनके स्वरूप को अपने अंतःकरण में स्थित करके ईश्वर को देख सकते हैं। बाबा ने बंधन किया, लेकिन अब जमाना बदल गया भाई जी आचार्य वर, आजकल तो प्रणाम दंडवत की व्यवस्था ही चली गई है। कई बार बच्चे मिलते गुरु जी हाय, साधना में आज भी प्रोग्राम चल रहा होगा, एक सेकंड उसकी शूटिंग चल रही थी, बालक में गुरु जी हाय, यू हाय तो लगी जाएगी कहीं ना कहीं, अरे कहीं मिल जाए गुरु जी बाय, मतलब वो क्या कह रहे हैं, अभी मिले गुरुदेव दोबारा मत मिलियो, अच्छी बात नहीं। यहाँ भगवान की कथा लिखने से पहले गोस्वामी जी ने विनायक गणेश की उपासना की। आप ध्यान दें कि भगवान गणेश सभी देवताओं में पूजित क्यों है, विवेक का परिचय लेने के लिए शिव ने कहा कार्तिक से और गणेश से कि संपूर्ण धरा का परिक्रमा करके आओ। जो सबसे पहले आएगा वो देवताओं में पूजित हो गया। कार्तिकीय के पास मोर था, वो चल पड़े, गणेश ने कहा कि मेरा चूहा है, मैं तो जाऊंगा नहीं, गंतव्यम गंतव्यम किम गंतव्यम किम करिष्यति कुत्र गच्छति शून्यम च शून्यम। गणेश जी ने अपने माता पिता की परिक्रमा करी, उनका चरण वंदन कर लिया, आगे कार्तिकीय जा रहे हैं मूसक के निशान, और सभी देवताओं में गणेश जी को पूजित माना गया महाराज। अगर गणेश माता पिता की सेवा करके चरणों में समर्पित हो करके सभी देवताओं में पूजे जाते हैं, मेरे भाई बहन मेरे युवा बंधु, एक बार माता पिता के चरणों को छू के देखो, जिंदगी में कभी दुख हो ही नहीं सकता। एक विद्यालय में बच्चे पढ़ रहे थे, टीचर ने खड़ा कर दिया, कहा बेटा उठो उठो खड़े हो जाओ, खड़े हो गए, बोले सर बताइए क्यों खड़ा किया, बोले कल आप हमारे लिए स्वर्ग की मिट्टी लेकर, इनमें से कौन सा बालक है जो कल मेरे लिए स्वर्ग की मिट्टी लेकर आया। सारे छात्र अपने घर आए, अपने घर आकर के सारे छात्र परेशान रहे, स्वर्ग की मिट्टी कहां मिलेगी, लेकिन वही मात्र भक्त एक बालक सुबह उठा, कागज की पुड़िया में थोड़ी सी मिट्टी बांधकर स्कूल में पहुंचा, छात्रों को खड़ा किया गया फिर से विद्यालय में, कह बताओ स्वर्ग की मिट्टी कितने लोग लाए। बालक लेकर गया और वो चुटकी भर मिट्टी जो पुड़िया में बंधी थी अपने सर को दे दिया, शिक्षक को दे दिया महाराज, और कहने लगा महाराज ये स्वर्ग की मिट्टी है, ये स्वर्ग की मिट्टी है। प्रोफेसर ने कहा ये स्वर्ग की मिट्टी कहां से आई, बोले सर ये मेरे माता पिता के चरणों के नीचे की मिट्टी है, मेरे स्वर्ग तो मेरे माँ बाप के चरणों में ही होती है, अगर ऐसा भाव बने तो कथा श्रवण का फायदा, नहीं तो ठाट का गुरु बाट का चेला सांझ पड़ी अकेला। गुरु पित मात महेश भवानी गुरु पित
प्रकाश। ध्यान देखिए, वो अपने आप में वृद्ध शब्द है और रूप शुद्ध है। गु के साथ रू लगते ही भावार्थ बदल जाते। गुरु के चरणों में, माता के चरणों में, पिता के चरणों में वंदन करें, शिव स्वरूप सतगुरु को देखें। आज के बच्चों को ज्ञान ही नहीं प्रणाम का मतलब क्या, वंदन का मतलब क्या। जब हम हाथ जोड़कर किसी को प्रणाम करते हैं तो जीवन में विनम्रता आती है। झुक के चरण वंदन करते हैं, अहंकार दूर होता है। साष्टांग दंडवत करते हैं, विकार दूर होता है। और जब सतगुरु की, परमात्मा की पंचामृत का